नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका और मेरा दोनों का YouTube चैनल पर। दीपावली में ऐसी कौन सी खास चीज़ें आप करें कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर पर विराजमान हो जाएं और आपको दे धन धान्य का आशीर्वाद, जिंदगी भर की दरिद्रता आपके घर से दूर हो जाए। ऐसे कौन से खास उपाय हैं जो दीपावली में ज़रूर करना चाहिए और इन उपायों को करके अपनी ज़िंदगी में आप देखेंगे कि लक्ष्मी किस तरह से आप पर प्रसन्न होकर आपके पास साक्षात अपने अष्ट लक्ष्मी रूप में आपको हर तरह से आठों दिशाओं से आपको धन देना शुरू कर देती हैं। जी हाँ, कुछ खास उपाय के बारे में बात करूंगी, ध्यान से सुन ले जरूर करें और आप खुद मुझे बताएं कि एक साल ये जो उपाय करने के बाद आपका एक वर्ष कैसा बीता। पहली चीज़ तो ये बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि ज़िंदगी में जितनी आप दूसरों की हेल्प करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, दूसरों तक चीज़ें पहुंचेंगी, उतना ज़्यादा आपका भला होगा। दिवाली एक ऐसा पर्व है जब हम लोग बहुत ज़्यादा तैयारी, लोग कहते हैं कि दिवाली में दिवाला निकल गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। दीपावली एक ऐसा पर्व है जो हमारी ज़िंदगी को रोशन करता है, हमारे ज़िंदगी में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी नेगेटिविटी है, उन सब को दूर करता है। तो इसे हम किस तरह से मनाते हैं, लक्ष्मी जी को किस तरह से आपको प्रसन्न करना है, कौन से भोग लगाने हैं, कौन से रंग के वस्त्र आपको अर्पण करने हैं, किस तरह से आप उनकी पूजा आराधना करें कि माता आपके घर पर प्रवेश करें। सबसे पहले तो सुबह उठ जाइए, उस दिन ज़्यादा देर तक सोने की आप कोशिश ना करें। अगर घर में जितने भी लोग हैं सभी को कह दें कि थोड़ा सुबह उठ जाना है। उठकर सबसे पहले आप अपने घर पर उठने से ही, उठने के बाद ही अपने हाथों को देख के प्रणाम करें, माता रानी का शुक्रिया अदा करें। आप सबसे पहले जाएंगे नहाने के बाद आपको नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गुलाब का इत्र और गुलाब जल मिलाकर लास्ट वाले पानी में आपको सर के ऊपर से डाल लेना है, नहा लेना है। गुलाब के फूल कुछ खरीद कर लेकर आइए, कुछ पंखुड़ियाँ डालकर आप उसके ऊपर से नहा लीजिए। गुलाब के फूल का, आठ गुलाब के फूल का एक माला आपको तैयार कर लेना है और ये माला आपको लक्ष्मी जी को ज़रूर अर्पित करना है। माता लक्ष्मी का आठ रूप होते हैं, आठ रूप मतलब अष्ट लक्ष्मी को आप आठों दिशाओं से पैसा देने के लिए आप अपने लिए वरदान मांगेंगे आज के दिन। आपको पता है कि लक्ष्मी माता को कौन सा भोग प्रिय है, आप उन्हें अनार का भोग ज़रूर लगाएं। अनार उनको अति प्रिय है। अनार एक ऐसा फल होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत मल्टी टाइम्स मल्टीपल हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए अनार के बीज तो आपने देखे ही होंगे, कितने सारे बीज होते हैं उसके अंदर, वो सारे जो हैं उतने ज़्यादा अनकाउंटेबल धन आपको मिले, कभी ना ख़त्म होने वाला, कभी ना क्षय होने वाला धन आपको मिले। इसकी वरदान, इसकी मनोकामना के साथ आप माता रानी को अनार का भोग ज़रूर लगाएंगे। अष्टलक्ष्मी की पूजा आप करेंगे, आठ लक्ष्मी को, महालक्ष्मी को आठ नाम जो है उनको गूगल से निकालिए, उनका एक एक बीज मंत्र होता है, उस मंत्र का जाप कमल गट्टे के माला में एक एक माला जाप अगर पॉसिबल हो तो कर लें, हवन कर लें उसी मंत्र का। इसके बाद आपको जब सुबह उठ रहे हैं, जब घर झाड़ू पोछा लगवाते हैं, तो पोछने वाले पानी में भी थोड़ा सा गुलाब का इत्र ज़रूर शामिल करें और गुलाब जल ज़रूर दें। इससे पूरे घर की नकारात्मकता दूर होगी, हर दिशा से लक्ष्मी आने के स्रोत जो हैं आपके खुलना शुरू हो जाएंगे। आपने हाथों में जितने भी कलावा बांधे होंगे अभी तक, कलावा मतलब ये जो इस तरह का रक्षा सूत्र अपने हाथ में बांधते हैं, उनको खोल देना है आज के दिन और खोलकर नया कलावा एक बांधना है। माता रानी का आशीर्वाद लेकर कलावे में आप उन्हीं का नाम का एक कलावा अपने हाथों में बांध लेंगे। आज के दिन माता रानी को गुलाबी रंग के वस्त्र अर्पित जरूर करें, गुलाबी रंग उनका प्रिय रंग है और खुद भी कोशिश करें गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर ही उनकी पूजा अर्चना अगर कर पाएँ तो। उन्हें बहुत पसंद है अगर आप उन्हें लड्डू चढ़ाते हैं, लाल रंग के फूल चढ़ाते हैं, कमल के पुष्प अपने घर के चौखट पर दोनों तरफ दरवाजे में पानी भरकर कमल के फूल ज़रूर रखिए। माता रानी उस पुष्प पे विराजमान रहेंगी आपके चौखट पर, वो पुष्प देखकर वो खुद ब खुद खींचे चली आएंगी। आज के दिन ज़रूर रंगोली बनानी चाहिए, रंगों से रंगोली बनाएं या फिर अल्पना दे दें, खली मिट्टी से अल्पना बनाएं, वो आपकी मर्ज़ी। चरण चिन्ह है माता रानी का, ज़रूर आज के दिन अंकित करें अपने घर पर। इसके अलावा बहुत सारे लोग घरौंदा की पूजा करते हैं, तो घरौंदा की पूजा ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप में नियम है, आप में चलता है तो उसकी पूजा करें, मिट्टी के खिलौने लाएं, उसमें अन्न भरकर आज रखने का बहुत बड़ा नियम होता है। अपने घर पर ज़रूर से ज़रूर घी, दूध, पनीर, इन सब चीज़ों की जो भी सामान है उसे लेकर आप ज़रूर आएँ। अगर संभव हो तो किसी मंदिर में जाकर धान का या गेहूँ का दान ज़रूर करना चाहिए, आपके
जितना भी अनुसार हो, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको 1.25 किलो देना है तो उसका दान करें। ब्राह्मण के लिए कुछ चीज़ें उठाकर दान करने के लिए हाथ लगाकर दीपावली वाले दिन सारे लोगों का हाथ लगा कर रख दें, क्योंकि वो अमावस्या भी पड़ती है और आज के दिन का दान बहुत ज़्यादा अति अच्छा माना जाता है। अगर उस दिन आपके पास समय नहीं है तो नेक्स्ट डे आप उसको दान कर सकते हैं, लेकिन हाथ लगा के उस दिन आपको उठाकर रख देना है। चौखट पर अपने दोनों तरफ दिया प्रज्वलित करें, घी का दिया जलाते हैं सुबह के वक्त तो बहुत अच्छी बात है, शाम को भी जला सकते हैं। चारों तरफ रोशनी होनी चाहिए। कौन से ऐसे खास जगहें हैं जहां पे आपको दिया ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए? आप अपने मेन डोर के चौखट में, आपके घर के दरवाजे के चौखट में, हर एक रूम के चौखट में, बाथरूम के चौखट पर, सील लोढ़ा जिसे हम कहते हैं, जैसे पहले मिक्सी नहीं थी तो पहले सिलबट्टे में मसाला पीसा जाता था, उसमें आपको जलाना है दिया। आपके किचन में आपको दिया जलाना है, तुलसी के पास आपको दिया जलाना है। उसके बाद हर एक दिशा में जहाँ जहाँ तक नज़र दिया रखना पॉसिबल है, हर एक जगह पर, पानी जहाँ पे आप रखते हैं वहाँ पर एक दिया प्रज्वलित ज़रूर करें। इन सब दिशाओं में ज़रूर, इन सब जगहों में दिया ज़रूर प्रज्वलित करना है उस दिन शाम के वक्त, ये प्रकाशित ज़रूर करें। इसके अलावा आपको घर पर हर तरह से सुगंधित अगरबत्तियाँ जला के रखनी है, गुलाब की अगरबत्तियाँ हो तो बहुत अच्छी बात है। हर घर के मुख्य दरवाजे में प्लस हर घर के दरवाजे में आपको तोरण ज़रूर से ज़रूर आज के दिन लगाना चाहिए। आप जाके मार्केट से कोई भी अपने हिसाब से पसंद करके तोरण खरीद के लेकर आएँ, उस दिन ज़रूर लगाएं। घर को अच्छे से सजाएं, लाइटों से चमका दें, इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी पुरानी चीज़ें सबको बाहर निकाल देने के लिए मैंने पहले ही कहा आपको, अब नई नई चीज़ें ला के लाइट की बहुत सारी वैराइटीज़ आती हैं, घर को सजाएँ, थोड़ा अलग सा लुक दें। सामान इधर की उधर अगर अभी तक आपने रंग नहीं करवाया घर का, ही आपके बजट में नहीं हो पा रहा है, ये किसी तरह से साफ़ सफाई आपने कर ली है, लेकिन आपको याद रखना है सामान आपको थोड़ा मतलब अपनी जगह से हटाकर किसी दूसरे जगह पे प्लेस करना है, थोड़े चेंजेस आने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी कि किस राशि को कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए धनतेरस पर, तो मेरे इस वीडियो का आप वेट ज़रूर करें। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। दीपावली के कई सारे उपाय और भी बताने वाली हूँ, और इसी के साथ आज का वीडियो मैं आप सभी यहीं पर एंड करती हूँ और इजाज़त चाहती हूँ आप सबसे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, और आप सभी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।